What's going on guys? Welcome to another video. इस वीडियो में हम एक बहुत बड़ी मुसीबत को सॉल्व करने वाले हैं एंड जिसका नाम है जेट स्प्रे. जो लोग भी इंडिया से आयु के आते हैं, सबसे पहली और सबसे ज्यादा जो चीज वो मिस करते हैं वो है बाथरूम में जेट स्प्रे का होना. बाथरूम में अपना बिजनेस करने के बाद साफ सफाई कैसे करनी है. तो हम भी स्टार्टिंग में जब आए थे हमने बहुत कोशिश करी कि टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया जाए, बट उसमें वो मजा नहीं है जो जेट स्प्रे में है. सो उसके लिए हमें दो चीजें चाहिए. सबसे पहली तो ये रेंच हमने इंडिया से मंगाई थी. हमने इस बार सामान मंगाया तकरीबन 20-25 किलो सामान इंडिया से मंगाया, बहुत चीप रेट में. उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे हम. बट हमने कुछ टूल्स मंगा लिए, स्क्रू ड्राइवर टूल्स वगैरह मंगा लिए. तो ये स्लाइडिंग रेंच है और ये हमने मंगाया है मैजिकल किट अमेजोन से, जिसका कॉस्ट हमें पड़ा तकरीबन 22-23 पाउंड का. शायद चीपर भी मिल सकता है आपको. इसके मैं आपको बॉक्स खोल के आपको कंटेंट्स दिखाता हूँ. ओके, लेट मी शो यू. ऑलरेडी खोल चुका हूँ मैं, सो बट आपके लिए दोबारा कर रहा हूँ. ओके, ये पेपर यूजर मैनुअल है, इसका कुछ नहीं करना. ओके, इन्होंने ये भी दिया है. सो ये आपका टेप है वो वाली. हाँ, ये टेप है जिससे कि लीकेज नहीं होती है. इसको फेंक दो. इसको देखते हैं ये क्या है भाई. ये क्या है. ओके, सो ये आपका टी पॉइंट है जो कि टॉयलेट में लगेगा. इसको नीचे फेंक दो. और ये क्या है. नीचे मतलब आप बेड पे फेंक रहे हो ना. हाँ, नीचे बेड पे फेंक रहा हूँ. नीचे नहीं फेंक रहा, पत्ते भी फट गया. रिटर्न करना हो तो कैसे होगा. ओके, ओ ये जेट को टांगने वाला सिस्टम है. सो इसमें एज यू कैन सी स्क्रू भी कर सकते हैं इसको. और इसको हम जो पीछे क्या बोलते हैं उसको हैंग करने के लिए ना. हाँ, पीछे हैंग भी कर किया जा सकता है उसको. उसके बाद ओके, ये पाइप है 150 सेंटीमीटर. 150 सेंटीमीटर मतलब 6 फीट. हाँ, 6 फीट का वायर होगी. कुछ स्क्रू ड्राइवर्स हैं. लेट अस सी, दिस इज द मैजिक. थड़ा छोटा नहीं है थोड़ा. ठीक है, कोई नहीं, टेस्ट करके देखेंगे फिर. सही चल रहा है कि नहीं. काम थोड़ा सा इसका अपना, बस हमें तो छोटा बड़ा क्या होता है. नहीं, इसका मुंह थोड़ा छोटा लग रहा है. मेरे से छोटा है. ओके, ये सारा सामान लेके हम चलते हैं ऊपर टॉयलेट में. लेट्स गो. टॉयलेट की हालत बहुत खराब है, कोई जज नहीं करेगा. आज मुझे साफ सफाई करनी है, बट मुझे पहले इंस्टॉल करना है. मैंने पहले ही वार्निंग दे दी. दिस इज अ टिपिकल यूके टॉयलेट जिसमें कोई जेट स्प्रे नहीं होता है. सो अगर आप या तो लेफ्ट या तो राइट साइड में कहीं ना कहीं एक पॉइंट जा रहा होगा जो कि आपके फ्लश में जा रहा होगा. बेसिकली हमें बस इस पॉइंट को खोलना है. आज से पहले हम इस मटके का यूज कर रहे थे, मुझसे मत पूछना कैसे कर रहे थे. अरे यार, ये सब मत बोलो. ओके, स्लाइड रेंच का मैंने बीच की सेटिंग कर ली है. अब बैठ के उसको खोलते हैं. By the way, घर की जो वाटर सप्लाई है यूजुअली बेसमेंट में होती है या तो जहां पे भी आपके घर में होगी, वाटर सप्लाई जरूर बंद कर लेना. इस फ्लश को पूरा एम्प्टी कर लेना. एज यू कैन सी हमने पूरा इसको एम्प्टी कर लिया है, पूरा खाली है, वरना आपका बाथरूम पूरा पानी पानी हो जाएगा.
दिस इज इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. कॉमेंट्स में अपने क्वेश्चन जरूर भेजिएगा एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. पीस.